हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स बाय एमजे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए दो ऐसे स्मार्टफोन का कंपैरिजन करूंगा जो कि जनवरी की स्टार्टिंग या फिर एंडिंग तक लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा रेडमी नोट 11 प्रो प्लस और रियलमी 9 प्रो प्लस का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन आपको लगभग 20 से 22,000 रुपए के देखने को मिलने वाले हैं और यह आने वाले समय में यानी कि जनवरी या फिर फरवरी में इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएंगे। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल देखने को मिलते हैं और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, तो इसलिए मैं यह वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय नहीं करना चाहिए। जानेंगे इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल से, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं गैजेट्स बाय एमजे। दोस्तों, रूमर्स के मुताबिक देखा जाए तो Redmi Note 11 Pro Plus Xiaomi Mi 11 i के नाम से इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है, लेकिन Realme 9 Pro Plus इंडिया में भी इसी नाम से लॉन्च होगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको टू वेरियंट में देखने को मिलेंगे, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज। और 6GB रैम 128GB स्टोरेज का प्राइस आपको लगभग 18,000 से स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगा और 8GB 128GB वेरियंट का प्राइस आपको लगभग 22,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब बात करें दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर आपको MediaTek Dimensity 920 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि हाल ही में अक्टूबर 2021 के अंदर लॉन्च हुआ है। अगर मैं इसके पावर की बात करूं कि इसके अंदर आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो यह चिपसेट आपको Snapdragon 778 से थोड़ा लाइटर चिपसेट देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर इसके एंटूटू बेंचमार्क की बात करें तो इसके अंदर आपको 3.5 लाख से 4 लाख तक एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है और Snapdragon 778 के अंदर आपको 4.5 लाख तक एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। अगर ऑन पेपर देखा जाए, जिसको आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो, तो ऑन पेपर के अंदर आपको Dimensity 920 प्रोसेसर के अंदर थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस चिपसेट को आप Snapdragon 778 से थोड़ा लाइटर ही समझे। और यह चिपसेट 6nm फैब्रिकेशन पर रन करता है। इसके अंदर 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिलेगा जिसको आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दूसरी तरफ Realme 9 Pro Plus के बारे में। तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 810 चिपसेट देखने को मिलता है और इस चिपसेट का एंटूटू बेंचमार्क दोस्तों लगभग आपको 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है। यह चिपसेट भी 6nm फैब्रिकेशन पर रन करता है और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिलेगा जिसको आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। दोस्तों, अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो यह बात हो गई दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर आपको 6.67 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले है और यह 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है और यह डिस्प्ले आपको सेंट्रल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि यह डिस्प्ले 1200 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है और इसके अंदर आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलता है। और दूसरी तरफ Realme 9 Pro Plus के अंदर आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 405 पर पिक्सल इंच के साथ आती है और इसके अंदर भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और यह डिस्प्ले आपको साइड ऑल पंच होल देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको विक्टस 7 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर डिस्प्ले के मामले में देखा जाए तो Redmi Note 10 11 Pro के अंदर आपको बहुत ही अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यानी कि Realme 9 Pro Plus Redmi Note 11 Pro Plus के सामने डिस्प्ले के मामले में पीछे रह जाता है। चलिए दोस्तों, यह तो बात हो गई इनके डिस्प्ले के बारे में। अब बात करते हैं इन स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें आपको सैमसंग का 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, इसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आप 108 मेगापिक्सल कैमरा से 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 60fps सिर्फ और सिर्फ फुल एचडी प्लस ही रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो उसके अंदर आपको 30fps ही देखने को मिलेगा। अगर मैं स्मार्टफोन की सेल्फी की बात करूं तो इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर देखने को मिलता है जिससे आप फुल एचडी तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं Realme 9 Pro Plus के बारे में। इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा
और 8 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, इसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन के 108 मेगापिक्सल कैमरा से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और सेल्फी के अंदर 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है जिससे आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की मैं कैमरा की बात करूं कि कौन से स्मार्टफोन में ज्यादा अच्छा कैमरा देखने को मिलता है, वह चीज आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होगी। क्योंकि Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर आपको प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का जो कि सैमसंग का कैमरा है वह बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें Realme 9 Pro Plus के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अब यह आपको डिसाइड करना होगा कि आपको प्राइमरी कैमरा ज्यादा अच्छा चाहिए या फिर आपको सेल्फी कैमरा या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ज्यादा अच्छा चाहिए। और दोस्तों, वैसे देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार हमें इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर परफॉर्मेंस लगभग सेम देखने को मिलेगी, उसी प्रकार आपको कैमरा भी इन दोनों स्मार्टफोन का सेम ही देखने को मिलेगा, बस ज्यादा फर्क नहीं होगा, 19-20 का ही फर्क होगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 120 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, यानी कि दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर 0 to 100% चार्ज कर लेंगे। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं Realme 9 Pro Plus के अंदर, तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 67 वॉट डार्ट चार्जिंग के साथ आती है, और इस स्मार्टफोन को आप लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर 0 to 100% चार्ज कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फोन जितनी जल्दी चार्ज होगा उसकी बैटरी लाइफ उतनी ही कम हो जाती है, और जो फोन धीरे चार्ज होता है उसकी बैटरी लाइफ काफी बढ़ जाती है। अगर दोस्तों नॉर्मल देखा जाए तो आपको पता लग ही गया होगा कि Realme 9 Pro Plus के अंदर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको एक फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए जिसको आप 10 से 15 मिनट तक चार्ज करो और आपकी बैटरी लगभग 100% हो जाए, तो आप Redmi Note 11 Pro Plus को ही बाय करना, और अगर आप थोड़ा बैटरी बैकअप ज्यादा चाहते हो तो आप Realme 9 Pro Plus को ही बाय करना। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कॉमन फीचर्स के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन आपको ड्यूल सिम देखने को मिलते हैं, 5G स्मार्टफोन है, इसके साथ ही 5.2 ब्लूटूथ, NFC, स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5mm जैक और बाकी के सभी जरूरी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, जायरोस्कोप। लेकिन दोस्तों, आपको Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर IR ब्लास्टर भी सेंसर देखने को मिलता है, और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अंदर आपको हैप्टिक फीडबैक भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। यह स्मार्टफोन आपको 3 कलर में देखने को मिलेगा, मिस्ट्री ब्लैक, फॉरेस्ट ग्रीन और टाइमलेस पर्पल। लेकिन दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ Realme 9 Pro Plus के अंदर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अब बात की जाए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए और किसको आपको बाय बाय करना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैं यहाँ पर Redmi Note 11 Pro Plus को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, कैमरा भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, डिस्प्ले भी बिग है और काफी ब्राइट डिस्प्ले है, और इसके अंदर ही सिर्फ IR ब्लास्टर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती है स्मार्टफोन के अंदर, जैसे कि 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग, हैप्टिक भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, जबकि ये चीजें हमें Realme 9 Pro Plus के अंदर देखने को नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में ये दोनों स्मार्टफोन अपने प्राइस पॉइंट पर सभी स्मार्टफोन को बीट करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप इन स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जैसे यह स्मार्टफोन लॉन्च होंगे इंडिया के अंदर मैं इनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। और दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिस ना हो पाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको जिसमें कंफ्यूजन थी वह कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। मिलता हूं अगली वीडियो में ऐसे ही जबरदस्त कंपैरिजन के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।